बकरी के कहे हुए तीन सच। एक गांव में गोपी नामक व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों के चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। वे पूरे दिन उस जंगल में खुशी से चरते थे और शाम तक घर पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बच्ची थी। वह उम्र में छोटी होने के बावजूद बुद्धि में सारे बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी बुद्धि को देख बाकी के सारे बकरियां चौंक जाते थे। इससे मालिक खुश होकर बहुत ही लाड़ प्यार से उसकी ध्यान रखता था। एक दिन गोपी ने अपने बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी के पास ले गया। उनको चरने के लिए छोड़कर वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो छोटी सी बकरी की बच्ची उधर इधर उछलते हुए झुंड से अलग होकर कहीं दूर चली गई। कुछ देर बाद अपने मित्रों से बहुत दूर आ गई करके सच जानकर फिर से वापस लौट चली। वह ऐसे ही वापस जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने बाघ आया। बाघ को देखते ही वह पहले बहुत डर गई, फिर कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ उसके ऊपर उछलने के लिए तैयार होते ही, बाघ राजा एक क्षण रुकिए, मैं आपको तीन सच बताऊंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे बिना खाए छोड़ना होगा, बकरी की बच्ची ने कहा। बकरी की बच्ची की बातों को सुनकर बाघ ने कहा, हाँ ठीक है बोलो। आप बाकी के बाघों से आज मुझे एक बकरी की बच्ची सामने पड़ी, फिर भी उसे नहीं मारा, छोड़ दिया करके बोलने पर वे मानेंगे नहीं मानेंगे, यही सही है ना? हाँ सही है करके बाघ ने सिर हिलाया। ऐसे ही मैं भी हमारे बकरियों से आज मैं एक बाघ के हाथ आने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वे भी मानेंगे नहीं ना? यही सच है ना? हाँ सच है बोला बाघ। अब तीसरा सच, ये बात हम हमारे लोगों से बोलने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करेंगे ना? यही सच है ना? बकरी की बच्ची ने कहा। उतनी छोटी सी बकरी की बच्ची उसके सामने खड़े होकर ऐसे हिम्मत से बात करने पर बाघ को बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी सच ही है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। बाघ ने हंसते हुए कहा। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलती हुई आकर झुंड में मिल गई। इस कहानी की सीख है कि अपनी बुद्धि से किसी भी कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। चूहा बिल्ली की कहानी। एक जंगल में बड़ा सा पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर बिल्ली ने अपना निवास तैयार किया। चूहा बिल्ली तो दुश्मन है, इसीलिए बिल्ली जब तक नीचे जाती है तब तक चूहा तेजी से बिल में जाकर अपनी रक्षा कर सकता है। हर दिन एक शिकारी रात में जंगल में आता था। वह पेड़ के पास जानवरों के लिए जाता था। रात में जानवर आते थे और ये सुबह आकर उन्हें पकड़ ले जाता था। बिल्ली गलती से जाल में गिर गया। कहीं भी कोई भी कहते हैं कि एक बिल्ली का जीवन एक चूहा है करके, पर यहाँ तो जैसे ही बिल्ली जाल में आया, चूहा बिल में से निकलकर स्वतंत्रता से घूमने लगी। खाने के तलाश में जा रहे चूहे को पास में ही एक नेवला दिखा। इससे उसके सांसें रुक गए समझो। वो चूहे को खाने के लिए तैयार था। चूहा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस खतरे में चूहे को एक अच्छी सी चाल सूझी, तो तुरंत जाल में बिल्ली के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें इस झंझट से बचाऊंगी, इसके बजाय तुम्हें मुझे इस झंझट से बचाना होगा। इससे मरने वाले बिल्ली को बहुत साहस मिली, तो तुरंत स्वीकार किया। तो चूहा निडर होकर उस जाल के अंदर जाकर बिल्ली के बगल में बैठ गया। बिल्ली के पास से चूहे को पकड़ने की हिम्मत न होते हुए नेवला वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। वो वहाँ से जाते ही चूहा भी जाल से बाहर आया। तुम्हारे प्राण मैंने बचा लिया ना, फिर जल्दी से आकर इस जाल को काट के मुझे बाहर लाओ। अगर अभी तुम्हें बाहर लाया
रहा था वैसे अगले दिन शिकारी के आते समय ठीक पहले ही जाल को काट दिया। शिकारी के आने की जल्दी में बिल्ली ने चपाक से पेड़ को पकड़ लिया और चूहा भी उसके बिल में घुस गया। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचकर उस कटी हुई जाल को देखकर उसका प्रयास विफल होने से उदास हुआ और पीछे मुड़ गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने कहा, मित्र तुमने मेरे प्राण बचाए, अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे। फिर चूहे ने हंसकर कहा, इन दिनों में अच्छे से मित्र कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे समाज में हम दुश्मनों के मध्य मित्रता कैसे होगा। अब तो तुम्हारे मदद किया ना, इसीलिए शुक्रिया पूर्वक मुझसे दोस्ती कर सकते हो, पर किसी दिन भूख में मुझे मार के खा भी तो सकते हो। शत्रु से बेवजह दोस्ती करना मुसीबत लाना ही तो है। तुमने मुझे बचाया, इसके बदले मैंने तुम्हें, हिसाब बराबर, अब से हमारा संबंध खत्म। बोलते हुए बिल में घुस गया। उसके मन की बात जैसा का वैसा चूहा बताने से बिल्ली का मुंह बिगड़ गया। इस कहानी की सीख है कि भला का भला तो कर सकते हैं, पर जानते हुए भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए। बिल्ली को सम्मान सत्कार करने वाले चूहे। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। वह जंगल में मजे से घूमते हुए मिले सो खाना खा के आराम से रहते थे। बाद में कहां से आया कि पता नहीं, लेकिन उस जंगल में नया बिल्ली रहने लगा। वह आया जब से चूहों के कष्ट शुरू हो गए थे। बिल्ली हर दिन चूहों को बगा बगा कर उनको परेशान करने लगी। चूहे मिलने पर उन्हें अपना भोजन बना के खाने लगी। सभी चूहे डर डर के जीने लगे। उस बिल्ली के कारनामों के वजह से तंग आकर चूहे सभी इकट्ठे हुए। उस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलता बोल के बहुत देर तक बात करने लगे। उसमें से थोड़ा बड़ा वाला चूहा पास में एक पत्थर के ऊपर चढ़कर सभी चूहों को एक सलाह देने लगा। चूहे के गले में एक घंटी बांधने से अच्छा होगा, बिल्ली कहां से भी आती है तो घंटी के वजह से हमें पता चल जाएगा, तब हम सभी तुरंत अपने बिलों में छुप सकते हैं। ऐसे थोड़े दिन तक उसको खाना ना मिलने के वजह से वहां दूसरी जगह चले जाएगा। बड़े चूहे का सलाह सभी को बहुत पसंद आया। तुरंत चूहे चर्चा करने लगे, घंटी कैसा रहना चाहिए, कितना बड़ा रहना चाहिए और कितनी दूर तक सुनाई दे सकता है, ऐसे विषयों पर बात कर लिए। इतने में ही उन्हें बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा बोल के ख्याल आया। इस प्रश्न का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इसका कोई फायदा नहीं होगा सोचकर सभी चूहे समावेश को छोड़कर उनके घर जाने के वक्त उनमें से एक छोटा चूहा बोला, कुत्ता मामा से बंधवाएंगे, ऐसे बोलने लगी। इसे कैसे बोल के समझ न आने पर जाने वाले चूहे भी रुक कर देखने लगे। हाँ, हम सभी नया साल का जश्न मनाएंगे, उस जश्न में बिल्ली को सत्कार करेंगे, अतिथि के जैसे कुत्ता मामा को बुलाएंगे और उसी से ही अपने दुश्मन के गले में घंटी बंधवाएंगे। ऐसे उसका सोच पूरा बोलने लगी छोटा चूहा। सलाह सभी को पसंद आने पर अपनी हामी भर लिए। तुरंत सभी चूहे कुत्ता मामा को अपने साथ में लेकर नया साल का जश्न और उस दिन मनाने वाले सम्मान सत्कार के बारे में बिल्ली को बताया। कुत्ता भी आकर पूछने के वजह से बिल्ली खुश होकर तुरंत हाँ कर दी। बाद में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाए। जश्न में बिल्ली को सम्मान सत्कार भी हुआ। चूहे बिल्ली की तारीफ करने शुरू हो गए थे। बिल्ली कितनी खूबसूरत है और उसके गले में हार जैसे घंटी है तो और भी खूबसूरत दिखेगी बोल के उकसाने लगे। अपने बारे में सुनकर ख्यालों में आकर हाँ बोला बिल्ली। चूहे अतिथि कुत्ता मामा से बिल्ली के गले में घंटी पहना दिए। खुशी के मारे बिल्ली उधर इधर चलते हुए अपने गले में घंटी को देखकर खुश होने लगी।
घंटी की आवाज अच्छी है बोल के सभी चूहे बात करने लगे। उसके बाद हर वक्त बिल्ली आने पर उसके गले में घंटी की आवाज सुनकर सभी चूहे बिलों में छुप कर अपनी जान बचाने लगे। उनकी परेशानी का हल होने की वजह से नए साल में चूहे आनंद से जीने लगे। सही वक्त पर अच्छा सलाह देने की वजह से सभी चूहे छोटे चूहे की तारीफ करने लगे।